विधायक जी, आज आप अपने पैतृक गांव में आए हैं, क्या कार्यक्रम है यहाँ और क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं? देखिए, आज मेरे पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि है और आज ही के दिन पिछले साल हमने उसका यही इसी हनुमान मंदिर के प्रांगण में, जो कि पिताजी ने ही बनवाया था, या आप थोड़ा अगर जो इसको इस तरफ लेंगे, इसका व्यू लेंगे तो ये जो मंदिर है, इसको ले लें आप थोड़ा सा उसमें अपने, तो वो मंदिर जो है मेरे पिताजी ने बनवाया था और हमने उनका संस्कार भी पिछले वर्ष यहीं पर किया था, इसी स्थान पर, और उससे एक वर्ष पहले हमारी माताजी हमें छोड़ गई थी, उनका संस्कार भी यहाँ किया था। तो मैंने आज दोनों माता और पिता दोनों की मूर्तियों को यहाँ की स्थापना की है, इसलिए तमाम परिवार के लोग, गांव के लोग, आसपास के लोग, और अभी दावत का कार्यक्रम है जिसमें 60 गाँव के लोग आमंत्रित हैं, तो सब लोग आएंगे और हम लोग आज पिताजी की पहली पुण्यतिथि को मैं मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। देश भर में लगातार वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, ऐसे में आज के बदलते माहौल में लोगों को क्या मैसेज देंगे कि बड़े बुजुर्गों की किस तरह से मदद करनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पूरे देश में, मतलब कहीं चले जाइए, आपको किसी भी चिल्ड्रन होम में कोई बच्चा वो नहीं मिलेगा जिसके माँ बाप जिंदा हों, लेकिन तमाम वृद्धाश्रम में चले जाइए आप, वहाँ पर आप बहुत सारे बुजुर्ग मिलेंगे जिनके बच्चे बहुत संपन्न हैं लेकिन वो वृद्धाश्रम में रहते हैं, लेकिन कोई भी पिता या माँ अपने बच्चों को कभी चिल्ड्रन होम में डालता नहीं है, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करे। तो आज के दिन जरूरत इस बात की है कि अपने माता पिता का सम्मान करें, माता पिता का, जब तक माता पिता उनकी सेवा करें, और उसके बाद अगर आपकी श्रद्धा है, अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप उनको अमर कर सकते हैं, उनका लंबा यादगार उनकी कर सकते हैं, तो आप जैसा मैंने किया है सबको करना चाहिए। चक्रमे त्रेधा निदते पदं तमुदत्पापं सुरेश्वाहा विष्णवे नमः कर जी का ध्यान करके नमः शिवाय शुभम करको शिवाय नमः ओम स्वाहा।